फॉर्म के फर्स्ट पेज में ही पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना है यहाँ पे, और स्व सत्यापित फ़ोटो लगाना है, सिग्नेचर कर देना है, यानी आधा फॉर्म में आधा फ़ोटो में। महतारी वंदन योजना 2024 हितग्राही पंजीयन फॉर्म, यहाँ पे लिखना है आवेदन स्थान जहाँ से भरना है उसी स्थान का नाम लिखना है, यहाँ पे दिनांक लिखना है, व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पे पहला कॉलम में है, आवेदिका का प्रकार जो सही हो उस पर टिक लगाएं, विवाहित है तो विवाहित, विधवा है तो विधवा, परित्यक्ता है तो परित्यक्ता, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा में टिक मारना है। दूसरा कॉलम में आवेदिका का नाम, जो आधार कार्ड में नाम है वही नाम भरना है। तीसरा कॉलम में पति का नाम, यहाँ पे पति का नाम भरना है, आवेदिका के पिता का नाम भरना है, यहाँ पे आवेदिका के पिता का नाम भरना है, यहाँ पे आवेदिका की जन्मतिथि यहाँ पे भरना है, सब सही से ही भरना है, गलती नहीं करना है। जन्मतिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण, दस्तावेज जो संलग्न हो उस पर टिक लगाएं, या तो जन्म पत्र प्रमाण पत्र दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, मतदाता परिचय पत्र दे सकते हैं, दसवीं का अंकसूची दे सकते हैं, या तो जो अंकसूची में जन्मतिथि रहता है उस अंकसूची को दे सकते हैं, शाला दाखिला खारिज प्रमाण पत्र, या तो ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें जन्मतिथि लिखा होता है उसमें उसको दे सकते हैं आप। आवेदिका की जाति, यहाँ पे जाति भरना है, वर्ग कौन सा वर्ग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो भी वर्ग में आते हैं उसको भरना है यहाँ पे। क्या आवेदिका विशिष्ट पिछली जनजाति श्रेणी की हैं, या तो है तो हाँ में टिक मारना है, नहीं तो नहीं में टिक मारना है, यदि हाँ तो श्रेणी पर टिक लगाएं, एक कमर बैगा बिरहोर पहाड़ी कोरवा अबूझ माड़िया भुंजिया पंडो, इसमें से जो भी हैं उसमें टिक मारें, अगर नहीं है तो नहीं टिक मारें। आवेदिका का स्थायी पता, यहाँ पे स्थायी पता भरना है जो आधार कार्ड में है, यहाँ पे राज्य भरना है, राज्य छत्तीसगढ़, जिला जो भी जिला के हैं वो जिला भरना है, ब्लॉक पंचायत वार्ड क्रमांक ग्राम भरना है, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम भरना है, आंगनबाड़ी केंद्र का कोड भी भरना है, आंगनबाड़ी केंद्र का कोड होता है कोड भरना है, आवेदिका का आधार कार्ड का क्रमांक यहाँ पे ये भरना है, और संलग्न भी करना है आधार कार्ड, आवेदिका के पति का आधार कार्ड भी भरना है, और पति का आधार कार्ड को फोटोकॉपी को भी संलग्न करना है, विधवा है तो विधवा, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा हेतु लागू नहीं। मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत जमा कर रही हूं, और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ को सहमति देती हूं कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता है। दूरभाष नंबर भर देना है यहाँ पे, और वैकल्पिक की दूरभाष नंबर घर का लैंडलाइन नंबर है तो वो भी भर देना है। ये फिर फर्स्ट पेज खत्म हो जाता है, फिर सेकेंड पेज माना है, सेकेंड पेज में आवेदिका का पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भरना है, और उसका फोटोकॉपी भी सबमिट करना है, राशन कार्ड का क्रमांक भरना है, और मुखिया का नाम जो भी है उसको भरना है, आवेदिका के पति का पैन कार्ड का क्रमांक भी भरना है अगर है तो, अगर नहीं है तो नहीं भरना है। क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हैं या नहीं, इसमें सही से ही अपना जानकारी देना है, यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करें, अगर नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न कर देना है। क्या आवेदिका ऐसे पेंशनभोगी हैं जो मानसिक पेंशन प्राप्त करती हैं, यदि हाँ तो हाँ में टिक मारना है, नहीं तो नहीं, यदि हाँ तो प्रतिमाह कितना यहाँ पे रुपया दर्ज करना है, पेंशन योजना का नाम, कौन से पेंशन योजना से लाभ मिल रहा है उस पेंशन योजना का नाम लिखना है, यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करना है। क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड निगम मंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं, यदि हाँ तो हाँ में टिक मारना है, नहीं तो नहीं में टिक मारना है, यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करना है। क्या आवेदिका स्वयं अथवा अपने परिवार उसका परिवार आयकरदाता है, परिवार से तात्पर्य पति पत्नी एवं उस पर आश्रित बच्चे से हैं,
यदि हाँ तो हाँ में टिक मारना है, नहीं तो नहीं में टिक मारना है, यदि नहीं तो स्वघोषित संलग्न शपथ पत्र संलग्न करना है। 20 कॉलम में है, बैंक खाता क्रमांक डालना है इसमें और बैंक का नाम लिखना है नीचे, IFC कोड भी भरना है। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएँ जो लागू हो। आवेदन पत्र के साथ इस दस्तावेज को भी संलग्न करना है। जन्मतिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज निवास संबंधी सक्षम अधिकारी जारी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आवेदिका का आधार कार्ड, विवाहित होने की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदिका के पति का पैन कार्ड, आवेदिका के पति का आधार कार्ड, प्रत्यक्षता तलाकशुदा होने की स्थिति में प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की छाया प्रति। इस टाइप से दस्तावेज संलग्न करना है। यहाँ पे पता लिखना है, अब दिनांक, आवेदिका का हस्ताक्षर होगा यहाँ पे, ये पावती उसके बाद में देगा, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर। उसके बाद यहाँ पे महतारी बंधन योजना 2024 स्वघोषित शपथ पत्र है, इसको भी भरना है। मैं अपना नाम लिखना है, पति का नाम लिखना है, वर्तमान पता लिखना है यहाँ पे, स्थायी पता, वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों भरना है। शपथ पूर्वक प्रमाणित करती हूँ कि मैं अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपकरण, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ग के कर्मचारी नहीं है। मैं अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व लोकसभा, विधानसभा का सदस्य अथवा बोर्ड निगम मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है। मेरे पति का व्यवसाय कार्य, जो कार्य है उस कार्य को लिखना है यहाँ पे, अगर कृषि है तो कृषि, या तो अन्य कार्य है तो अन्य कार्य लिखना है, जिससे मेरे पति परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय कितना होती है उसको यहाँ पे भरना है, एवं इस कारण मेरे परिवार में कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं है, इस टाइप से जानकारी देना है। यहाँ पे आवेदिका का हस्ताक्षर और आवेदन पत्र में दिए गए विवरण इस टाइप से भरना है। गवाह का हस्ताक्षर, एक गवाह भी लगेगा यहाँ पे, गवाह का नाम और पूरा पता, आवेदिका के हस्ताक्षर यहाँ पे, नाम और पूरा पता, इस टाइप से भर के आंगनवाड़ी केंद्र में जमा कर देना है।